उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तमाम मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं, उनसे बात करने वाले हैं। सर, समाजवादी पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है, उसमें ये दिखाया कि अखिलेश यादव बैट से पे लिखा हुआ है पीडीए और एनडीए को बॉल है, वो स्टेडियम के पार जा रही है। यानी 2024 में पीडीए का मुकाबला एनडीए कर पाएगा, क्या ये आप लोग मानते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता क्या बोल रहे हैं, मैं वो जो मर्जी हो बोल सकते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में रहते हैं तब उनको पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक याद आ नहीं आता, और जब आज चुनाव लड़ना है तब वो पीडीए की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व है, और भारतीय जनता पार्टी काम करती है, काम पर विश्वास करती है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश और देश में चल रही है, इन्होंने जितना भी पीडीए के लोग हैं उनकी गरीब कल्याण की योजनाएं बना के जन जन तक पहुँचाने का काम कर रही है, और आगे भी लोगों को भरोसा है। उसी के चलते लगातार चार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी विजय हासिल कर रही है। आज मोदी जी के नेतृत्व में फिर देश का चुनाव होने जा रहा है। कहीं कोई किसी का गठबंधन, चाहे जितने लोग मिल जाए, काम नहीं करेगा। बूथ स्तर पर काम चल रहा है। 9 साल बेमिसाल जो सेवा सप्ताह का चला आयोजन, जून, पूरे जून में एक एक बूथ स्तर पर कार्यक्रम हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है और पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। राम गोपाल यादव का जिस तरह से बयान आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हम तोड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या कहीं से आशंकाएं व्यक्त हो रही हैं इस तरह की, आप लोगों को लगता है कि भाजपा टूट की कगार पर खड़ी हो जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो लोग ये कह रहे हैं, पहले अपने घर में देखें कि वहाँ सब ठीक ठाक बना रहे और वहाँ कोई गड़बड़ी न रहे, और आने वाले चुनाव तक वो सब एकजुट रहें, और कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी में न टूट की संभावना है, और पूरी मजबूती के साथ, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार लगातार बढ़ रहा है पूरे प्रदेश में, और अपितु पूरे देश के अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन का फैलाव करके और पूरा कार्यकर्ताओं के बीच में पकड़ बना रही है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अब किस तरह की रणनीति अपनाएगी 2024 के चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 9 साल पूरे होने पर, पूरे 1 महीने का जो कार्यक्रम हुआ है, सेक्टर, बूथ, मंडल, विधानसभा, लोकसभा स्तर की बड़ी बड़ी रैली और हर कार्यक्रम 9 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष और संगठन के बल पर जनसंपर्क के माध्यम से जन समर्थन बढ़ा रही है, और पूरा भरोसा है कि 80 सीटें जो है उनमें जीत का अंतर और बढ़ेगा, और पूरी मजबूती के साथ, एक बार नहीं, अभी तो इनका कहीं कोई संगठन नहीं है, बूथ स्तर तक जितने भी विरोधी दल हैं कहीं कोई उनका नीचे तक संगठन नहीं है, संगठन है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, और संगठन के दम पर भारतीय जनता पार्टी लगातार एक बड़ी पार्टी बन करके देश में उभरी है। उसका कहीं कोई विकल्प, कहीं कोई मुकाबला करने वाला आज नहीं है। एक सवाल ये था कि चर्चा इस बात की कि उत्तर प्रदेश के कई मंत्री अब केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे नाम हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका भी नंबर हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में संगठन कहाँ, कब, किसको कौन दायित्व देगा, ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व के संज्ञान में रहता है, और जहाँ जो
स्थितियां बनती हैं, जो निर्देश आदेश पार्टी का होता है उस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सभी लोग उसका पालन करते हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। राकेश सचान जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर यही बात कही, कहा कि संगठन की तरफ से जो भी आदेश निर्देश दिए जाते हैं उनका हम सभी पालन करते हैं। और समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने हमला बोला, कहा कि जब वो सरकार में थे तब पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की उन्होंने कोई काम नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उनके लिए काम कर रहे हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।